शिल्पा और राज का न्यू वेंचर, ईशा ने मनाया गुड़ी पाड़वा, विवेक ने की बच्चों से मुलाकात। शिल्पा शेट्टी अपने हबी राज कुंद्रा के साथ एक नाइट क्लब शुरू करने वाली हैं, जिसका नाम रखा गया है रॉयल्टी। और रिसेंटली इस कपल ने इस नाइट क्लब की लॉन्च पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसे अटेंड किया कई सेलेब्स ने। चलिए शिल्पा से ही जानते हैं कि ये नाइट क्लब बाकियों से किस तरह डिफरेंट है। खास ये है कि इस किस्म का क्लब पहले कभी खुला नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो पूरा रॉयल एक्सपीरियंस है वो हमारे क्लाइंटेल को हासिल हो, और वी वांट इट टू बी अ क्लास अपार्ट, एंड वेदर इट बी द मेन्यू, whether it be food or drink menu, they're all customized specially for our club. और इस किस्म का क्लब, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस किस्म का क्लब पहले कभी इंडिया में नहीं खुला है। तो we are really a one-off catering to the high end, and we want people to come and have a great time here. वैसे शिल्पा ने यहाँ आने वाले youngsters के लिए भी खास इंतजाम किया है। On the part of us as owners, I'd like to assure people that when girls come here, you know, young boys come here to party, we're going to make sure that we give them a great experience and make sure that they have a good time without actually getting spoiled. And even outside the club, that's something that, you know, I'd want my children to come and party here. Confusion to is baat ko lekar thi ki ye venture aakhir tha kiska? Ye mere pati ka business hai, main bas help kar rahi hu. Ji hai, ye Shetty's ka business hai, food and drink hai Shetty. Har Shetty ke pool mein hai food aur drink business. Raj aur Shilpa ke is night club ke supporters to kafi the, magar iske khilaf bhi kai log the. Is par Shilpa ka kehna tha, as far as people who are complaining, I mean, you can't keep everybody happy, and you know, every time my name is involved with something, I think it just gets that added bit of flack, or maybe controversy is the right word. But we're not here to hurt anyone, or you know, I honestly don't need to prove a point to anyone. I just want people to come and have a drink. विवेक ओब्रॉय रिसेंटली स्नेहा सदन के बच्चों के साथ अपना कुछ वक्त गुजारने आए। विवेक को देखकर बच्चे भी काफी खुश हो गए और विवेक उनके साथ काफी हिल मिल गए। वैसे विवेक उन एक्टर्स में से हैं जो कई सोशल कॉजेस के साथ जुड़े हैं, और इन कॉजेस के बारे में विवेक ने बात की। We've got a recycling plant as part of Project Devi in Vrindavan, where we collect kachra, and from the kachra we do cleanliness drives. We take all the kachra out, and then we take cloth, all fabrics that have been wasted. We recycle the fabrics and we make gift items out of them, and we support women who've been abandoned, so we give them employment at Project Devi. Mumbai ki badhti pollution ke bare mein Vivek ki kya raaye hai? Mumbai aate hi pollution hi pollution rehta. I was just remembering ki 10 saal pehle I used to drive around in an open jeep. Ab to impossible ho gaya. It's become very difficult, and kuch karna chahiye hum logon ko. विवेक आए तो थे इंटरव्यू देने, मगर वो तो रिपोर्टर से ही सवाल पूछने लगे। आप मीडिया के हो, खबरें हमेशा आपकी सच्ची होती है। आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, मुझे लगता है आपको क्या लगता है? आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, डू यू फील यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल? दिस इज सो नॉनसेंसिकल दैट आई डोंट इवन फील लाइक आंसरिंग इट। आई मीन रिडिकुलस यार। और फाइनली विवेक इनके सवालों से काफी इरिटेट हो गए। ईशा को पिकर गुड़ी पाड़वा मनाने आई मुंबई के एक रेडियो स्टेशन में, और ईशा नजर आ रही थी अपने देसी अंदाज में। रिसेंटली ईशा शादी के बंधन में बंधी, और इसीलिए वो साड़ी पहने नजर आई, एंड शी वॉज रियली लुकिंग स्टनिंग। वैसे शादी के बाद ये ईशा की पहली गुड़ी पाड़वा है, तो अपने ससुराल वालों के साथ ईशा कैसे मनाएंगी ये त्योहार? देखिए, मेरे इन-लॉज पंजाबी हैं, तो पता नहीं वहाँ तो गुड़ी पाड़वा मनाई नहीं जाती। इट्स एक्चुअली ज़्यादातर महाराष्ट्रियंस में ज़्यादा होता है ये, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कड़ू लींबू सबको खिलाने की सुबह उठते के साथ। इस दिन खाने में क्या स्पेशल बनेगा? एक मीठा कुछ तो होता है, और वेजिटेरियन खाना होता है,
पता नहीं, मम्मी को पूछूंगी, मैं तो खाना नहीं बनाती। जाते जाते ईशा ने गुड़ी पाड़वा के लिए अपने फैंस को ये मैसेज दिया। तुम्हें सगाना माझ्या तर्फे मी गुड़ी पाड़वाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आई होप योर इज फुल ऑफ गुडनेस एंड स्वीटनेस। अक्षय का को स्टार एक मंकी, जैकी श्रॉफ की कड़ी मेहनत, प्रीति को आया गुस्सा, रणबीर और असिन बने दोस्त, अभय देओल की सरप्राइज पार्टी, अभिषेक कपूर की खुशी, जेम्स कैमरून से मिले ए कंपनी, रहमान का 10 करोड़ का टूर। अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म में एक मंकी के साथ स्क्रीन पे शेयर करेंगे, मगर ये कोई आम बंदर नहीं, ये वही कपूचिन है जो हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज में दिखाई दिया था। जैकी श्रॉफ अपनी अगली फिल्म मालिक एक में साई बाबा के किरदार में नजर आएंगे और कहा जाता है कि जैकी पहले इस रोल को निभाना नहीं चाहते थे, एज ही वॉजंट कन्विंस्ड हाउ ही वुड लुक एज बाबा, बट फाइनली वो मान ही गए और इस रोल के लिए जैकी को काफी मेहनत करनी पड़ी। गॉसिप की गलियों से ये खबर उठी है कि प्रीति जिंटा इन दिनों काफी गुस्से में है, क्योंकि उनकी क्रिकेट टीम ओपनिंग गेम में ही हार गई और इस वजह से प्रीति ने कुछ वक्त अकेले बिताना जरूरी समझा ताकि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सके। रिसेंटली रणबीर कपूर और असिन कई इम्पोर्टेंट इश्यूज पर लेक्चर देने दिल्ली गए थे। कहा जाता है कि असिन की स्पीच सुनकर रणबीर इतने इम्प्रेस्ड हुए कि वो उनकी तारीफ करते नहीं थके और अब कहा जाता है कि उनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही पक्की हो गई है। अभय देओल ने इस मंडे अपना 34th बर्थडे मनाया और उनके इस बर्थडे को स्पेशल बनाया उनके फ्रेंड्स ने, जिन्होंने अभय के लिए मुंबई के नाइट क्लब में एक सरप्राइज पार्टी प्लान की। एक्टर टर्न डायरेक्टर अभिषेक कपूर इन दिनों काफी खुश हैं, क्योंकि उनकी फिल्म रॉक ऑन ने बेस्ट हिंदी फिल्म और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में नेशनल अवार्ड जो जीत लिया है। वैसे अब अभिषेक चेतन भगत की नॉवल 3 Mistakes ऑफ माई लाइफ पर बेस्ड फिल्म बनाने की तैयारी में है। संजय गुप्ता की अगली फिल्म पंख रिलीज के लिए तैयार है और वो 2 अप्रैल को रिलीज होगी। इस फिल्म में बिपाशा बसु एक इमेजिनरी कैरेक्टर प्ले करेंगी। विवेक ओबरॉय अपनी फिल्म प्रिंस को प्रमोट करने जयपुर गए और वहाँ के रियल प्रिंस के साथ वक्त बिताया और उसे विसल करना भी सिखाया। क्या बात है, आप तो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। करिश्मा कपूर दूसरी बार मॉम बनी, इसके बारे में तो हर कोई जानता है और उन्होंने अपने न्यू बॉर्न बेबी का नाम रखा है कियान राज कपूर। वैसे कियान का मतलब होता है ग्रेस ऑफ गॉड। शोमैन सुभाष घई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी अगली फिल्म दिवाली में लॉन्च करेंगे। फिल्म की कास्टिंग तो अभी तक शुरू नहीं हुई है, मगर ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म होगी। हॉलीवुड फिल्म अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरून से मुलाकात सिर्फ आमिर खान ने ही नहीं की, उनके साथ डिनर करने का मौका अभिषेक कपूर, अर्जुन रामपाल और अनिल कपूर को भी मिला। वीर के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर विजय गलानी ने AR रहमान के वर्ल्ड टूर के राइट्स अक्वायर किए पूरे 10 करोड़ रुपए में। सुष्मिता सेन ने रिसेंटली ये बात कही कि वो हैदराबाद बेस्ड क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि सुष हैदराबाद में पली बड़ी हैं। पता नहीं सुष के इस कमेंट से उनके बंगाली फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे। आमिर खान हाल ही में दिल्ली गए, जहां उन्होंने हॉलीवुड फिल्म अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरून से मुलाकात की और दोनों ने फिल्मों को लेकर काफी देर तक बातचीत की। वैसे कहा जाता है कि फिल्म्स के लिए आमिर की पैशन को देखकर जेम्स काफी इम्प्रेस्ड हो गए। डबल ऑस्कर और ग्रैमी विनर AR रहमान लगभग 3 साल के बाद अपने वर्ल्ड टूर की तैयारी बड़े ही जोर शोर से कर रहे हैं। वैसे इस टूर का नाम रखा गया है जय हो द जर्नी होम और ये टूर जून 11 से न्यूयॉर्क से शुरू किया जाएगा। अभिषेक बच्चन को 2nd गोल्डन केला अवार्ड्स में अपनी फिल्म दिल्ली 6 के लिए वर्स्ट एक्सेंट का अवार्ड दिया गया, लेकिन अभिषेक ने इस बात का बुरा नहीं माना, उन्होंने इस बात को काफी स्पोर्टिंगली लिया। अभिषेक को इस बात की खुशी है कि दिल्ली 6 को अवार्ड तो मिला। आमिर खान ने अपने बर्थडे पर शायद ये रेजोल्यूशन बनाया होगा कि वो अपनी फैमिली के साथ अपना ज्यादा वक्त बिताएंगे और इसीलिए ये अपनी बेटी ईरा को बाइक राइड करवाते हुए दिखाई दिए। अजब प्रेम की गजब कहानी के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर चाहते हैं कि राजकुमार संतोषी फिल्म का सीक्वल बनाए, मगर राजकुमार ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया ताकि वो बिग बी के साथ एक सॉन्गलेस फिल्म बना सकें, जो कि एक एल्डर NRI के स्ट्रगल पर बेस्ड होगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।